अब निश्चय की शादी की बात करेंगे आज हम। अब आंटी ने बोला कि निश्चय ना बहुत सुंदर हो गया है, तो मैं कब सुंदर इतना हो गया है तो उम्र भी हो गई है, लड़की वड़की से शादी शुदी कर ली जाए। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बजे और मैं हो गई हूँ रेडी और खाना भी बिल्कुल रेडी कर दिया मैंने, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने नए घर पे। वैसे हम रोज की रूटीन है हमारी 10 बजे तो हम वॉक करके आते हैं, लेकिन आज 10 बजे रेडी और खाना भी रेडी और खा भी लिया है। और मलन साहब हमेशा की तरह नीचे उतर गए हैं, मैं अभिषेक को उठा रही हूँ कि वो दरवाज़ा बंद कर ले। तो फाइनली पहुँच गए हम अपने घर, 10 बजे चले थे और 11 बजे पहुँच गए हैं, क्योंकि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। और न्यू घर में हम आए अपनी न्यू गाड़ी में, हमने सोचा हम भी थोड़ी सी फील ले लें नई गाड़ी की। पहले मलन साहब कहते हैं कि कैब में चलेंगे, ट्रैफिक बहुत होगा, कैब में जाएंगे। मैंने कहा अब तो दो दो गाड़ियां हैं, अब दिक्कत क्या है। कह रहे कौन गाड़ी निकाले, कौन चलाए, आराम से चलेंगे कैब। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे अपनी हैरियर में और आगे हम देखने। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं और कुछ नया हो ना हो। यहाँ कबाड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को, मतलब पूरा ऐसे ये सारा गंद गंद दिख रहा है। हमारी कॉन्वर्सेशन पिट जो बननी है ये रेडी हुई है, मतलब ये स्टेप्स बनने थे वो बन गए हैं। ओ भाई, ये बाथरूम बन गया। और बाहर बाहर क्या हुआ है अभी, बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ, जो जैसा था। मतलब हम 2 महीने बाद आए हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम तो शिफ्ट करने की सोच रहे हैं यहाँ। मलन साहब, मतलब मलन साहब खुद फाइनल नहीं करते और कह देते हैं आप दरवाजे नहीं है, हाँ। मैं पानी मीटिंग लगा के बैठ जाते हैं। दरवाजे तो मिलते हैं, उसी को तो दरवाजे तो आपको वही है कल वो डिजाइन आप जो हो गए ना, फिर वो आपकी सब कुछ है। आप बैठो, आप महीने बाद दिखे हो। अभी नीचे तो कुछ हुआ नहीं है तो ऊपर तो क्या ही हुआ होगा, देख लेते हैं। फिर भी शिफ्टिंग तो आई थिंक 2 महीने छोड़ो, पूरा साल ही लगने वाला है अभी भी। अरे नहीं, हाँ है ना, मुझे नहीं लग रहा। हाँ करता है, आप हमें गो हेड देते जाओ तो हमारी तो सारी टीम रेडी है, वेट कर रही। वो गो हेड तो इधर देते नहीं है, फिर कैसे सिविल की, थोड़ा सिविल की तो जो रह रहा वो तो आपकी वजह से है ना। गो हेड का मतलब कि जो नेक्स्ट हमारा काम होना है, जो इंटीरियर होना है, तो वो विभा ने बिल इतना बड़ा दे दिया था ना, मतलब साहब का दिल होला पड़ गया। तो इसीलिए काम पेंडिंग है। मैं कब से बाहर खड़ी हूँ क्योंकि घर पे कोई काम हुआ ही नहीं है, देख लिया हमने, अब क्या देखें कितनी देर। लेकिन ये मलन साहब है ना, जो बातें ही नहीं ख़त्म होती इन लोगों की, चल ही नहीं रहे कि चलो 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 चलो। आज मलन साहब फ्लैक्स कर रहे हैं कि मैं नई गाड़ी में आया हूँ, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो आगे हम ऑफिस और मलन साहब ने यहाँ पे चाय पी ली है, बूस्टर डोज मिल गई है। और यहाँ पे विभा ने ये पूरा इतना पोथी जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया। अब घर पे तो मलन साहब मुनीमी का काम करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, पूरे हिसाब किताब लगा रहे हैं। और फिर हिसाब किताब लगाने के बाद गो हेड होगा, फिर हमारा काम फिर से स्टार्ट होगा जो कि अभी 2 महीने से पेंडिंग पड़ा है, वुडवर्क का काम स्टार्ट होगा। अरे ये भी निकल गए नराते, अब अगले नरातों तक तो एटलीस्ट दे दो ना। सुबह हम 1 घंटे में गुड़गांव पहुंच गए थे और आते टाइम 1 घंटा तो हम पंजाबी वक्त जाम में फंसे रहे, और इतना सिर दर्द हो रहा है ना जाम में फंसे रहे, मतलब अब तो कोई कॉफ़ी पिला दे, माय गॉड कॉफ़ी पिला दो, ये तो रेडी है, कॉफ़ी पिला दो। हाँ कॉफ़ी बनाता तो आप हो। वही तो कह रही, सिर दर्द हो रहा है बहुत, तो गले पे क्यों हाथ रखते हो। प्यास भी लगी है ना, पानी पिला देते हो, वही पिला सकते हो, कॉफ़ी तो बनानी आती नहीं। वो कह रहा है मैंने खाया, तुझे नहीं खाया। बाद
बाहर कौन जा रहा है? चावल। बाहर कौन जा रहा है? तो बाहर जाने से पहले कौन नहीं खाता? मेरे को ना पापा सुबह ही कह रहे थे तू जितना मर्जी बना के जाओ, उन्होंने कड़ा खाना। अरे खाया है मम्मी, उसने किसने नहीं खाया? मैं बता रहा हूँ, दिक्कत ये थी कोई प्लेट में डाल के देने के लिए नहीं था। बस बात तो वही है, पर फिर भी मैंने डाला। मैंने इनको मैसेज करा व्हाट्सएप पे, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना, प्लेट में डाल के माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। मतलब इतना काम तो कर लिया करो यार, मैं जाने से पहले इतनी मेहनत करती हूँ, पापा की डांट भी खाती हूँ। भाई खाया है, अब क्या ऐसे समझाऊं, पेट खोल के दिखाऊं कि ये देखो छोले चावल। काम कर, पोटी करा, तू ही कर सकते, ऐसी बात है। The next day. कल आपने बोला था कि बस गर्मी आ गई, आज से 3 बार चाय पीऊंगा, है ना? वो इसलिए पीनी पड़ रही है क्योंकि नाक के अंदर हवा घुस रही है, ठंडक से और ठंडी लगी हुई है बस। रात को एसी चलाना है और दिन में कह रहे हैं मेरे नाक में हवा घुस रही है, मेरा नाक बंद है इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ। कल इन्होंने मेरे को बोला था बस गर्मी आ गई, अब चाय नहीं पिया करनी ज्यादा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इनकी इतनी तबीयत खराब हुई थी चाय पीने की वजह से, इतनी गैस बन रही थी। लेकिन चाय लवर, चाय लवर चाय नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। पी छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ सकते। मेरे को यही उम्मीद है, तुम यही कहने वाली थी, तुम ये कहने वाले थे। अब तो 34 साल हो गए, अब कहीं जाऊंगी मैं बताओ। हाँ आप छोड़ सकते हो, आपने बोला बीवी छोड़ सकते हैं, ये हो सकता है भाई, आप छोड़ सकते हो पर चाय नहीं छोड़नी। चाय का बहुत क्या ही बोलूं। घर पे ना बहुत सारी सब्जियां पड़ी थी, जैसे कि बीन्स है, ब्रोकली है, गाजर है, तो ये कोई खा ही नहीं रहा था। आपको पता है दोनों जने सब्जी तो खाते ही नहीं, मेरे घर में सब्जी लगती ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी खराब हो रही थी। तो मैंने क्या सोचा, कुछ इनोवेट करा, मैंने सोचा कि क्यों ना इनको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि भाई पैसा लगता है ना, क्यों खराब करनी सब्जियां। तो मैंने ये छोटी छोटी सब्जी काटी और ये बनाया, एक टाइप का चाट बन गया। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, मूंगफली डाल दी, और ऊपर से ना मैंने ये शकरकंदी बारीक बारीक सी एयर फ्रायर में रोस्ट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी और सबको खाने को दे दी। तो चलो आपको दिखाती हूँ कैसी लगी मल्लन साहब को और सबको। तो मैंने कहा था उधर चलते हैं पूछते हैं कैसा लगा, और ये खुद ही इधर आ गया। क्या वेजिटेबल्स जो तुम खाते नहीं हो? पर खाने में क्या? खाने में मैंने बनाया दाल और स्टफ्ड वाले पराठे। बहुत ही अच्छी डाइट है, पहले सब्जियां खिला दो फिर पराठे खिला दो, स्टफ बहुत अच्छे। नहीं तो वो मैं तेरे को कुकर वाली बनाऊंगी ना, ये देखो ये है ना डाइटिंग, ये अच्छी चीज ला के रखती हूँ ना। देखी क्या कर रहा है ये, हाथ से जिम का पता चलता है। जिम दे शकीन, हैवी वेट मार दे। ये क्या हो रहा है? खाया पिया, अभी तू क्या करने लगा? ये देखो गाइस, ये हर टाइम जिस दिन ये छुट्टी पे होता है तो यहाँ पे देखो गाइस, जिस दिन मैं छुट्टी पे होता हूँ मैं मसाज करवाता हूँ, पर मैं पॉइंट की बात ये, मैं 7 में से 7 दिन छुट्टी पे होता हूँ। रेस्ट डे ब्रो, एवरी डे, रेस्ट इन पीस ना हो जाए मेरा। अभी उसको मना कर रहे थे और अभी देखो कह रहे मैं भी करवाता हूँ मालिश। तेरा बंदा आ गया, अभी मालिश कराता हूँ मैं भी। मैं तो करा, मेरा कभी कभी मूड आता है कि करा लूं तो कराओ कराओ कराओ, ठीक है कराता हूँ। कह रहे चाय पिला दे मेरी, फिर मैंने मालिश करानी है। मलन इसके दुख से मेरे को चाय छोड़नी पड़नी है। मलन साहब चाय पी मिल जाएगी, आप शांत होके बैठिए, अब मेरे को खाना खिला दो, 4 बज गए, बहुत भूख लगी है। अगर आप चाय छोड़ दो ना तो जो आप बोलोगे मैं वो ही दूंगी आपको इनाम, ठीक है? ऐसा कहते वो दिन आना ही नहीं कभी। नोनू ये ले, लाओ जी। ये क्या है? खा के देखो, वेजीज। क्या हुआ? हाय 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 हाय, सबको तो बहुत अच्छा लगा। हाँ उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तू बोला ही कुछ नहीं, ऐसा क्यों? मैं ऐसे कर रहा था, ये तो बहुत यम्मी है। ये इस लड़के ने मेरा कवर उतार के अपने फोन पे लगा लिया। मेरा कवर दे दे प्लीज। फीलिंग आते पर या मेरा दिल नॉन, पकड़ी इसका पकड़ी, हाथ हटा
थोड़ा सा तेल ही तो है, चिकना हो जाऊंगा मैं और क्या। मेरा कवर अरे छोड़ो, अब निश्चय की शादी की बात करेंगे आज हम। अब आंटी ने बोला कि निश्चय तो बहुत सुंदर हो गया है, तो मैं कब सुंदर इतना हो गया है, तो उम्र भी हो गई है, लड़की वड़की से शादी शुदी कर ली जाए। अच्छा, एक साल यूट्यूब करियर भी तो चलाने मम्मी का। हाँ, जब एक साल का घर बन जाएगा तो फिर व्यूज कैसे आएंगे। शादी कल मम्मी मेरे को कहते रही थी घर बनने के बाद हमारा नेक्स्ट मेजर, घर बनने के बाद हमारा नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट निश्चय की शादी है। मैंने कहा अच्छा, प्रोजेक्ट एक साल, मैंने टारगेट बोला था, प्रोजेक्ट नहीं। मैं तो कह रहा हूँ डन है, एक साल अभी जैसे घर बन जाएगा निश्चय की शादी, फिर उसके बाद अभिषेक की शादी। अभिषेक तो अभी उधर वो भी कुछ बोल रहे हैं। अरे उनकी मत सुनो, वो कुछ नहीं, सुनने तो दे। वो मेरे बारे में जो बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ अभी तू क्या है, बच्चा है, इत्तू सा है। अभी उनको कुछ नहीं पता, वो बोलने क्या चाहते हैं। भैया टुच्चा है, बच्चा है। अभी अब क्या ढूंढ रहा है? अब कैमरा लेके हर जगह पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। क्या ब्लॉगिंग किटकैट ढूंढ रहा है ना? अभी मैंने छुपा के रखी है, तूने कहा है कि मेरे को चाहिए, तो मैंने छुपा के रख दी। अब खाने के लिए ढूंढ रहा है तू। तो मन कर गया खाने का, तो फिर किटकैट की रील बना रहा था, फिर खाने का मन कर गया। हाँ, तो मैंने अब तूने मेरे को बोला रख लो कहीं, छुपा के रख लो अभी फिर से, क्योंकि अगर रील अप्रूव नहीं हुई फिर से बनानी पड़ेगी। अभी तो तू खाने के लिए ढूंढ रहा था। कोई नहीं, बाद में खा लूंगा। बाय, जा रहा हूँ अलविदा, टाटा, गुड बाय, बंद कर लो।